पश्चिम बंगाल से निकलकर हम चलते हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण के लिए हमारे साथ मेहमान के रूप में जीवीआर शास्त्री साहब और उसके साथ साथ हमारे साथ नंबियार साहब बने हुए हैं। जी आर शास्त्री जी, आपका स्वागत है। और नंबियार साहब, नंबियार साहब, जिस तरह से कहा जा रहा था जो कि दक्षिण में एक परिपाटी है, एक बार AIADMK और दूसरी बार DMK, ये परिपाटी के तहत AIADMK ने जो इस बार परफॉर्म किया है जयललिता के नहीं होने पर, दक्षिण की सियासत में आप क्या देखते हैं? वो दीगर बात है कि स्टालिन निश्चित ही मुख्यमंत्री बनने के लिए अब वो सहरा पहनने के लिए तैयार हैं। नंबियार साहब जी, मैं तो कहूंगा कि DMK का जो जीत है लगभग पहले से ही थे थे, चाहे वो प्री इम्पोज हो और उससे पहले चुनाव का टाइम पे भी ये कहा जाता था कि स्टालिन तो इस बार पहली बार उनकी मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत सालों से लगभग 30 वर्ष से वो तैयारी हो रहे थे, वो फाइनली होगा। तो बट एक चीज अगर आप देखोगे, आप थोड़ा गौर से देखोगे तो ये AIADMK विदाउट इवन हैविंग जयललिता, नॉट इवन हैविंग लाइक स्टालिन तो बहुत बड़े नेता है, जो मुख्यमंत्री को भी बड़े नेते थे, उसके हिसाब से देखेगा तो AIADMK और BJP अलायंस हैज नॉट डन सो बैड। तो मैं तो कहूंगा कि एक विक्ट्री है, बट ये विक्ट्री इतना बड़ा नहीं है जो हम तो सोच रहे थे, उतना बड़ा नहीं है जो AIADMK के लिए, आई मीन DMK के लिए और स्टालिन के लिए। बट यस, ये जैसे कहावत है ना, जो एक यूथ लीडर अभी भी स्टालिन को माना जाता है, जबकि वो 8 इयर्स ओल्ड ग्रैंडफादर है, बट आज भी उन्होंने अपने आप को एक यंग यूथ लीडर मानते अपने आप को। मैं तो उनको बधाई दे दूंगा इस नंबियार जी आपको मुझे रोकना होगा इस